हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम जसप्रीत सिंह है। आज मैं आपको एक ब्रांड से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा, ठीक है, जो वॉशिंग मशीन बहुत पहले से बनाती है, ठीक है। उसके अलावा टॉप लोड बनाने लग गई है और अब रेफ्रिजरेटर भी बना रही है पिछले कुछ सालों से, ठीक है। वो जो ब्रांड है बॉश है। बॉश जो है मेन अपनी ड्यूरेबिलिटी को उसको बरकरार रखता है। जैसे कि आप ये मॉडल देख रहे हैं, ये मॉडल का नाम है CTC 35S032i। जैसे कि आप ये देखेंगे स्मोकी स्टील में लुक दे रहा है। इसमें ये खासियत है कि ये आपको पूरे के पूरे फ्रिज की सिर्फ 20% की जो कैपेसिटी है उसका सिर्फ आपको फ्रीजर देगा, क्योंकि इंडिया के हिसाब से हमें फ्रीजर की जरूरत थोड़ी कम ही रहती है। और साथ ही में आप देखेंगे ये जो आपको आइस मेकर मिलेगा, ये मूवेबल मिलेगा, लेफ्ट टू आप राइट कहीं पे भी इसको मूव करके आप अपना जो भी सामान है वो प्लेस कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं इसमें। और इसमें आपको देखेंगे ऊपर आपको टफन ग्लास मिलेगा, ठीक है, और साथ में आपको एक सेंसर मिलेगा। एक ये सेंसर है, एक आपको नीचे फ्रेश सेंस टेक्नोलॉजी के साथ मिलेगा। ये क्या करते हैं, बाहर के टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली ये अंदर एडजस्ट करते हैं। जब बाहर का टेम्परेचर जो भी होगा ये खुद सेंस करने के बाद अंदर की कूलिंग को मेंटेन करेंगे, जिससे आपको 360 कूलिंग मिलती है। साथ ही में आप देखेंगे कि इसमें आपको 5 शेल्फ्स मिलेगी, 1, 2, 3, 4, 5। ये आपको ऊपर चिलर ट्रे मिल रही है और आप देखेंगे आपको हर शेल्फ में इसके कूलिंग वेंट्स मिलेंगे कि कहीं पे कूलिंग की कमी ना हो। हर शेल्फ को ये यूनिफॉर्म कूलिंग प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही में यहाँ पे आप देखेंगे आपने इस कैपेसिटी में 334 लीटर की कैपेसिटी में कोई अदर ब्रांड में अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको इस तरीके के डोरबिन 3 नहीं मिलेंगे। आप देखेंगे 2-2 लीटर की बोतल आपको यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं। साथ में आपको ये मल्टी बॉक्स मिलेगा, तो आप कहीं पे भी एडजस्ट करके आप इसको बॉटल्स को आप यहाँ पे रख सकते हैं। और साथ में ये भी आपको 1-1 लीटर 2-2 लीटर का स्पेस दिया हुआ है, बॉटल्स आप यहाँ पे रख सकते हैं। और साथ में आपको फ्रीजर में भी 2 डोरबिन दिए हैं कि आप मसाले वगैरह कुछ मेडिसिन हो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं इसमें। साथ ही में ये रेफ्रिजरेटर ड्यूरेबल होने के साथ साथ, जैसे कि टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट में कन्वर्टेबल रेंज काफ़ी सारी आ गई है। अब मार्केट में कोरियन ब्रांड भी मिल रहा है, चाइनीज़ ब्रांड भी है, जैपनीज़ ब्रांड भी है, वो आपको इजीली कहीं पे भी मिल जाएगा। ये जर्मन टेक्नोलॉजी जो अभी फ़िलहाल डिमांड में है, इसमें ये टेक्नोलॉजी है कि कुछ ब्रांड जो है अगर आप उसको फ्रीज़र कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि कुछ ब्रांड 5-in-1 कन्वर्टेबल आते हैं, 3-in-1 कन्वर्टेबल है, तो उनमें कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं अगर आप फ्रीज़र को फ्रिज में कन्वर्ट करेंगे तो वो फ्रिज का जो टेम्परेचर है 5-7 होना चाहिए, +5-7, जिसमें आप अपनी सब्जियां या फ्रूट स्टोर कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में कुछ ब्रांड ऐसे हैं अगर आप उसको फ्रिज में कमांड करते हैं तो वो +3 में चला जाएगा, जिस +3 में आप अपनी सब्जियों को स्टोर नहीं कर सकते, वो कुछ ही दिनों में खराब होने लग जाएंगी, जमने लग जाएंगी। और इसमें क्या है, आपने अगर जैसे कि ये कन्वर्ट फ्रीजर है, आपने 3 सेकेंड के लिए इसको होल्ड रखा है तो ये जो कंपार्टमेंट है, फ्रीजर कंपार्टमेंट आपका, कुछ ही देर में जो टेम्परेचर में आपका फ्रिज रन कर रहा होगा उसी टेम्परेचर को ये ऊपर ले लेगा। उसके लिए आपको स्पेशली कन्वर्ट करने की, उसके लिए कोई आपको स्पेसिफिकली टेम्परेचर की जरूरत नहीं है कि आपको ये टेम्परेचर सेट करना पड़े। अदरवाइज फ्रीजर का टेम्परेचर आप -24 पे ले जाना चाहे तो वो आप कर सकते हैं। ये आपको 2 पुश बटन दिए हुए हैं, ये फ्रिज को कंट्रोल करेगा और ये ऊपर फ्रीजर को कंट्रोल करेगा।
साथ ही में इसकी जो मार्केट वैल्यू है तकरीबन 42-43 हज़ार रुपये है, जिस 42-43 हज़ार रुपये की रेंज में बहुत अच्छा रेफ्रिजरेटर है 334 लीटर। अगर फैमिली में मेंबर्स 6 से 7-8 भी लोग होते हैं तो काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ है अंदर का, जिसमें आपको 1 साल की बाई डिफॉल्ट कंप्लीट वारंटी मिलेगी और 10 साल वारंटी रहेगी इसके कंप्रेशर की। ये जो रेफ्रिजरेटर है 3 स्टार में मिलेगा आपको, ये आप देख सकते हैं 3 स्टार में मिलेगा और 255 यूनिट ये कंज्यूम कर रहा है पूरे साल की। बाकी ऐसी नेक्स्ट वीडियोस के लिए मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।